पर हिजबुल्ला ने फिर से हमला बोला है। हिजबुल्ला आतंकियों ने सेना को इस बार निशाना बनाया है। दरअसल इसराइल के हनीता बेस कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। यहां पर निगरानी कर रहे इजरायली सैनिकों पर निशाना साधते हुए अचानक से अटैक किया गया है। निगरानी कर रहे इजरायली सैनिक पर अचानक से अटैक हुआ है, जिससे इजरायली सैनिकों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। बेस कैंप पर क्योंकि ये निशाना साधा गया है तो काफी नुकसान की खबर भी मिल रही है। ये हमला जो है वो बिल्कुल अचानक से हुआ। दरअसल गाजा के पास जो बॉर्डर इलाका है वहां पर जो इजरायली सैनिक है जिस वक्त तैनात है, ये अटैक उनके ऊपर था। और किस तरीके से ये अचानक से अटैक हुआ, जिससे सैनिक जो वहां पर मौजूद थे वो संभल नहीं पाए, वो समझ नहीं पाए। रॉकेट अटैक के बाद भीषण तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिला।